गरीब को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, गरीब को व्यवस्था नहीं मिल रहा, कमाने खाने का साधन नहीं मिल रहा। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फिलहाल अभी हम लोग ओवर ब्रिज पर हैं, फंसे हुए और जा रहे हैं पटना से। तो दोस्तों यहां से गुरुद्वारा कुछ ही दूर आगे है और ये अशोक राजपथ है। अगर गाय घाट से आते हैं तो अशोक राजपथ होते हुए छोटी गुरुद्वारा मिलेगी, उसके बाद ये आगे बड़ी गुरुद्वारा, यानी कि ये पटना साहिब में है, पटना शाही है। तो इधर थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है और ये देखिए अभी ट्रैफिक है, सिंगल लेन रोड है। और इसके दोनों साइड मार्केट है और इसको मीना बाज़ार भी बोलते हैं। और पटना सिटी का ये भव्य मार्केट भी है। भीड़ है और होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो होली वाला सब सामान यहाँ बिक रहे हैं। और जहाँ तक गरीब को खून चुस चुस के कुल बनाए से, गरीब को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, गरीब को व्यवस्था नहीं मिल रहा, कमाने खाने का साधन नहीं मिल रहा, क्या उपलब्ध सरकार बनाता है? खाली पुल बनेगा, सड़क बनेगा, और जो करना है करो भाई। ये है पटना सिटी का अशोक राजपथ, मच्छरहट्टा रोड है दोस्तों। और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, चाहिए गरीब का रोटी कपड़ा मकान और दुकान और बिजनेस, है ना? देख हाँ, गरीब को चाहिए रोटी कपड़ा मकान बिजनेस कारोबार, वो गरीब आपका सहमत देगा, नहीं तो आपको सहमत नहीं देगा। हाँ, करना हुआ आपको बिहार का बहुत जल्द उखाड़ फेंकना है, जितना भी चाचू से चोर बाजारी है घोटाला है उसको आपको तो उखाड़ फेंकना है। सरकार मजबूत बनाइए गरीब का और फसले के लिए गरीब को कुछ होगा, यही आपको चलना पड़ेगा। ये भाई साहब ठेला वाले थे और इन्होंने अपने सरकार के खिलाफ कुछ बातें बोले कि हमेशा यहाँ जाम लगते रहता है, सरकार फिर भी इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाते हैं। तो ये ऐसा स्थिति है भाई साहब, देखिए यहाँ पूरा मार्केटिंग एरिया है और यहाँ पर सब लोग सामान लेकर जाते रहते हैं और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ये देखिए मच्छरहट्टा में है और ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं पटना सिटी, जा रहे हैं पटना सिटी में है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक तरह तरह का ये दिख रहा है। तो ये भाई साहब के पास तरह तरह का ये व्यवस्था है, यहाँ आएंगे तो मिल जाएगा, शेर भालू सब है।